Hello guys, good morning to all of you. This is my Giraj here and now we are going to get discuss about the telescope. अब हम दूरदर्शी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. दूरदर्शी की आवर्धन क्या होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिएगा कि दूरदर्शी का उपयोग बहुत दूर सुदूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है और यहाँ पर भी दो उत्तल लेंसों का उपयोग होता है. ध्यान रखिएगा, दूरदर्शी में भी दो उत्तल लेंसों का उपयोग होता है लेकिन यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है. तो ध्यान रखिएगा कि जो दूरदर्शी है, दूरदर्शी में भी दो उत्तल लेंस होते हैं अभिदृश्यक या वस्तु लेंस और नेत्रिका लेंस. लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है अभिदृश्यक की नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है और बहुत दूर वस्तुओं बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है. तो इसका जो डायग्राम हो जाएगा, किरण आरेख होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये एक उत्तल लेंस जिसे हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं या वस्तु लेंस बोलते हैं और ये है नेत्रिका लेंस. तो यहाँ पर कोई वस्तु है जो अनंतता से इस तरह से आ रही है और ये इस प्रकार से फोकस बिंदु से गुजरेगी और जो प्रकाशी केंद्र से गुजरेगी वो इस तरह से. तो ये यहाँ पर कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी और जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगी उसी जगह प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का. ये अनंतता पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना. तो मान लेते हैं कि ये ए डैश बी डैश है और यहाँ से जब नेत्र से इसको देखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब किसी फिनिट डिस्टेंस पर प्राप्त होगा. जैसे ये यहाँ पर कट कर रहे हैं तो इनका प्रतिबिंब ये प्राप्त हो गया जिसको हम बोल दें ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है ना. तो ध्यान रखिएगा ये इसके का प्रतिबिंब है यहाँ पर और ये इसके लिए नेत्रिका की दूरी हो जाएगी यू ई. अब ये समझ लीजिए कि एक फोकस बिंदु के ऊपर या फोकस बिंदु के ऊपर अगर रखी होगी तो अनंतता पर बन जाएगी, इसलिए फोकस और ई के बीच में ही वस्तु कहीं पर रखी है तभी ये कहीं पर अपना प्रतिबिंब बनाएगी. तो ये ध्यान रखिएगा. तो अब हम इसकी आवर्धन डिस्कस करते हैं. तो देखिएगा हम ये एंगल जो है इस प्रकार से ये ए डैश बी डैश है, ये है बीटा ई के और ये जो एंगल है ओ ये है अल्फा, ध्यान रखिएगा. तो अब अगर हम इससे आवर्धन निकालते हैं एम इक्वल टू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा, तो टैन बीटा हो जाएगा और टैन अल्फा हो जाएगा लंब बटे आधार ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश एंड टैन बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश टी. दोनों मान समीकरण एक में रख दीजिएगा तो समीकरण एक से एम इक्वल टू टैन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई और टैन अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश. तो देखिएगा ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी ओ ए डैश अपॉन ए डैश ई और ओ ए क्या है, ये फोकस है, द्वितीय फोकस तक के लिए दूरी है. तो ये इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ ओ राइट साइड है और ये है यू टी. तो एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ ओ अपॉन यू टी, ध्यान रखिएगा इतना आ जाएगी इसके लिए आवर्धन का मान. अब हम इसी से इसका मान सॉल्व करके निकालेंगे कि पहली स्थिति में जब प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब, तो पहले स्थित एक जब प्रतिबिंब डी पर बने, तो डी पर बनेगा अगर प्रतिबिंब, तो देखते हैं ये जो हो जाएगा बी का मान माइनस डी हो जाएगा, यू का मान माइनस यू ई है और एफ का मान एफ ई है, तो एक बटे एफ इक्वल टू एक बटे बी माइनस एक बटे यू से एक बटे एफ ई माइनस डी माइनस यू ई, दोनों देखिएगा ये इतना आ जाएगा। अब हम दोनों और अगर हम एफ ओ से गुणा कर दें, एफ ओ से गुणा दोनों ओर, ये आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई माइनस एफ ओ अपॉन डी प्लस एफ ओ अपॉन यू ई, और हमें एफ ओ अपॉन यू ई निकालना है तो सब इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस ये आ जाएगा एफ ओ अपॉन डी, ठीक है ना। तो अब हम एफ ओ अपॉन एफ ई कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा वन, और एफ ओ अपॉन डी बटे एफ ओ बटे एफ ई ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यही आवर्धन है, तो ये आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस, अब देखिएगा ये टर्म जब सॉल्व करेंगे तो एफ ओ अपॉन डी इंटू एफ ई अपॉन एफ ओ, तो एफ ओ से एफ ओ कैंसिल हो जाएगा, ये एफ ओ बटे यू ई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली या एफ ओ बटे यू ई आया एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी। अतः एम का मान कितना है माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, अतः मान रख देंगे माइनस एफ ओ अपॉन इसका मान है एफ ओ बटे एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, देखिए आ जाएगी आवर्धन जब दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दूरी टी पर प्राप्त, और दूसरी चीज जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने, जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने तब के लिए क्या हो जाएगा, अनंतता के लिए कि v इक्वल टू हो जाएगी इन्फिनिट, u इक्वल टू माइनस यू ई और f इक्वल टू एफ ई, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u से 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन माइनस इन्फिनिट माइनस यू, ये जीरो हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू ई 1 अपॉन एफ ई दोनों ओर एफ नॉट से गुणा, तो एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू एफ ओ बटे यू। अब देखिएगा एम क्या है, अतः एम इक्वल टू माइनस एफ ओ बटे यू की है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसका मान है एफ ओ अपॉन एफ, तो इस तरीके से इसकी आवर्धन किया जाएगी माइनस एफ ओ अपॉन एफ, तो ये है दूरदर्शी द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं परावर्तनी दूरदर्शी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, परावर्तनी दूरदर्शी ये एक ऐसी दूरदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक के रूप में एक दर्पण उपयोग होता है, अर्थात अवतल दर्पण उपयोग होता है, जिसका आकार लगभग 200 इंच होता है। ध्यान रखिएगा कि परावर्तनी दूरदर्शी एक ऐसी दूरदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक के रूप में एक दर्पण अर्थात अवतल दर्पण उपयोग होता है, जिसका आकार लगभग 200 इंच होता है। इसके उपयोग से किसी भी प्रकार का वर्णविवर्तन दोष नहीं पाया जाता, और यदि इस अवतल दर्पण की जगह यदि परवलयाकार दर्पणों को उपयोग कर लिया जाए तो गोलीय विवर्तन दोष भी नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये खास बातें हैं
कि परावर्तनी दूरदर्शी एक ऐसी दूरदर्शी है जिसमें अविदृश्य के रूप में एक दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिसका आकार लगभग 200 इंच होता है और इसमें किसी भी प्रकार का वर्णव्यतन दोष नहीं पाया जाता। और यदि इस अवतल दर्पण के स्थान पर यदि कोई परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता तो उसमें गोली विपतन दोष भी नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि इसके द्वारक में जहाँ पर प्रकाश आपतित होता है वहीं पर प्रेक्षक के बैठने की भी व्यवस्था होती है, इस वजह से कुछ प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो कैसे बनता है कि ये एक परावर्तनी दूरदर्शी है जिसमें ये एक दर्पण है M1 और एक दूसरा दर्पण हो गया यहाँ पर M2। इस प्रकार से कि जब ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से इस दर्पण M1 पर आपतित होती हैं तो ये परावर्तित होकर के दूसरे दर्पण M2 पर गिरती हैं और M2 इनको पुनः परावर्तित करके नेत्रिका पर केंद्रित कर देता है और यहाँ पर ये वस्तु दिख जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब ये वस्तु दिखाई दे जाती है ये होगा तो इसका प्रतिबिंब जो होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो उल्टा प्राप्त होता है, लेकिन खगोलीय पिंडों में ये बात प्रभावहीन रहती है क्योंकि गोलीय वस्तुओं को देखने के लिए इसमें उल्टा या सीधा का प्रभाव नगण्य रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लगभग 200 इंच के आकार का द्वारक होता है, अवतल दर्पण का बना होता है जिसे M1 से व्यक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, परावर्तनी दूरदर्शी में लगभग 200 इंच आकार का के द्वारक वाला एक अवतल दर्पण M1 लगा है, ठीक है। जब इस पर प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात दूसरे दर्पण M2 पर केंद्रित होते हैं और इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर उसका प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा प्राप्त हो जाता है। लेकिन खगोलीय पिंडों का आकार गोली होता है और गोलाकार पिंडों में से ये बात प्रभावहीन होती है कि वस्तु उल्टा या सीधा कैसे होगी। तो इस प्रकार से ये परावर्तनी दूरदर्शी या इसी को बोलते हैं कैसेग्रेनियन दूरदर्शक भी बोलते हैं। ओके okay?